जी, तो कल हमने डिस्कस किया था कि एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो उसमें आपको बताया गया था कि एटम दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, या तो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने कल फिर डिस्कस किया और आपको बताया गया था कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल के हमने डेफिनेशन दो तरीके से डिस्कस की थी, वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। वो क्या आपको बताया गया था कि मॉलिक्यूल एक कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर एटम्स का, जिसमें एटम एक दूसरे के साथ में केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होता है। और दूसरी डेफिनेशन दी गई थी कि मॉलिक्यूल जो है एक किसी भी सब्सटेंस को वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, ये आपको बताया गया था। फिर हमने मॉलिक्यूल के टाइप्स को डिस्कस किया था, बताया गया था कि मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। दोनों में डिफरेंस आपको ये बताया गया था, जब एक ही एलिमेंट के टू एटम्स, टू और मोर एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे H2, Cl2, O2, N2, Br2, I2, ये सभी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे थे, तो ये सभी कहलाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। और जबकि HCl, CH4, NH3, H2O, CO2, ये सभी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, क्योंकि इसमें टू और मोर टाइप्स के जो टू और मोर एलिमेंट के जो एटम्स थे वो आपस में कंबाइन हो रहे थे और वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे थे। जी बिल्कुल, मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं, ये आपको बताया गया था कल ही। एटम स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि एटम केमिकली रिएक्टिव होते हैं, वो दूसरे एटमों के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपके मॉलिक्यूल्स या आयंस को फॉर्म करते हैं स्टेबल होने के लिए, जबकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एटोमिसिटी के बारे में, और आपको बताया गया था जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें एक ही टाइप के, एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के, उनको उसको उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी बोला जाता है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। इसके बाद हमने बताया था आपको केमिकल फॉर्मूले पे, हमने लास्ट टॉपिक अपना एंड किया था, और केमिकल फॉर्मूले के बारे में आपको बताया गया था। जो केमिकल फॉर्मूला होता है स्टेबल का मतलब होता है भैया कि जैसे हमने बोला कि कोई भी यहाँ पे जो सब्सटेंस होता है वो सभी जो है वो स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल का मतलब है कि वो, जैसे आप लोगों के लाइफ में सेटल का मतलब क्या होता है कि आप लोग भी सभी सेटल होने की कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, आपकी एक अच्छी अर्निंग हो, जिससे कि आप भी जो है प्रॉपर अर्निंग वहाँ पे कर सकें और अपने लाइफ को जो है अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकें। तो हर, हम कह सकते हैं वर्ल्ड में हर एक चीज होते हैं वो स्टेबल होना चाहती है, कि डेट मीन्स उनको भी कोई जो है, मतलब आप भी ये चाहोगे कि आपको भी भाग दौड़ ना करनी पड़े, आपको भी जो है कुछ इस तरीके से कहीं से धन संपत्ति मिल जाए और आपके लिए भी जो काम है वो आसान हो जाए सर्वाइव करना। तो एटम भी यही चाहते हैं कि उनको भी केमिकल रिएक्शन ना करनी पड़े और वो भी वहां पर स्टेबल हो जाए। तो इसलिए करते क्या है, एटम जो है जल्दी से वहां पे केमिकल रिएक्शन करके अपनी आटोमो सेल को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे वो स्टेबल माने जाते हैं। तो एटम के केस में स्टेबिलिटी का जो मतलब होता है उनके आटोमो सेल को कंप्लीट करना होता है। जब वो उनके आटोमो सेल कंप्लीट हो जाते हैं तो स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल का मतलब यहाँ पर यह है कि फिर एटम्स को दूसरे एटम के साथ में रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो रिएक्शन करने के लिए, दूसरे एटम्स के साथ में रिएक्शन करने के लिए, जब तक वो रिएक्शन नहीं करते तब तक वो अनस्टेबल रहते हैं, लेकिन जब वो रिएक्शन कर लेते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर सभी जो हम कह सकते हैं अचीव करना चाहते हैं, तो इसलिए एटम भी स्टेबल होने के लिए जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, लेकिन जब एक बार मॉलिक्यूल बन जाता है तो मॉलिक्यूल वहां पर स्टेबल हो जाता है। सॉरी, मैंने आपके बाकी क्वेश्चन देखे नहीं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जी, अभी हम आगे मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको टाइम टू टाइम अभी आगे चल के पता चलेगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक यूज किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, तो शायद अभी आपको नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको टाइम टू टाइम अभी पता चलती रहेंगी। तो फिलहाल आपने अभी स्टेबल का मतलब पूछा था, तो स्टेबल का मतलब यही है कि एटम जो होते हैं वो आपके केमिकल रिएक्टिव होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन करके स्टेबल होना चाहते हैं। तो जब वो केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टेबल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो आपको धीरे धीरे करके पता चलता रहेगा जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिएगा, तो केमिकल फॉर्मूले की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। न्यूट्रल का मतलब होता है जब किसी के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो उसको न्यूट्रल बोला जाता है। ठीक है, जब किसी के ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता है, ना उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव हो, तो उसको न्यूट्रल बोला जाता है। तो देखिए, मैं केमिकल फॉर्मूले को फिर से रिपीट कर दूं। तो केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो कोई जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और उनके कितने कितने एटम्स वहां पर हैं।
कंपोजिशन का मतलब यही होता है कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें हैं, ठीक है, जिससे वो मॉलिक्यूल बना है, और उन एलिमेंट्स के कितने कितने एटम वहां पर यूज किए गए हैं। तो केमिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। द फॉर्मूला कैन बी ऑफ, ये जो फॉर्मूला है वो किसी एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, जो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे हम केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट एलिमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच द सिंबल टेल अस द एलिमेंट एंड द सबस्क्रिप्ट फिगर। जी मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें हैं जो दीपांशु जी आपको अभी पता चलती रहेंगी, ठीक है। अब कई बार ये है कि भी कुछ वर्ड हमें यहाँ पर यूज करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो बुक में गिवन है। मॉलिकुलर का भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। फिलहाल आप ये यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं कि मॉलिकुलर कंपाउंड जो है वो आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उनको मॉलिकुलर कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड में भी डिफरेंसेस अभी आपको आगे चल के हम बताएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये सारी चीजें आती जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जिनके बारे में आपको नहीं पता चलेगा। डेफिनेटली जब ये चैप्टर एंड होता जाएगा तो ये आपकी सारी बातें जो है वो क्लियर होती जाएंगी, तो प्लीज आप इनको पॉइंट आउट करते जाइएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो जो एलिमेंट के फॉर्मूले से मतलब क्या होता है। तो एलिमेंट के फॉर्मूला में ये बताता है कि उस एलिमेंट का क्या जो उस एलिमेंट का क्या कंपोजिशन, उसके मॉलिक्यूल का क्या कंपोजिशन है। दैट मीन्स वो जो मॉलिक्यूल एलिमेंट का, उसमें कौन से एटम्स को यूज किए गए हैं, और जो उसका सबस्क्रिप्ट होता है, जो लोअर सबस्क्रिप्ट होता है, जो नीचे की तरफ नंबर लिखा होता है, वो बताता है कि उस में कितने एटम्स वहां पे यूज किए गए उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं ज्यादा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, तो ये आपको एक टेबल नजर आ रही होगी। तो इसमें आपको एलिमेंट्स के जो केमिकल फॉर्मूले वो लिखे गए हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है H2, नाइट्रोजन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो N2 है, ऑक्सीजन का O2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br2, आयोडीन का I2, फॉस्फोरस का P4 और सल्फर का एसिड, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो एलिमेंट्स के हैं, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के एटम जो हैं। जी भैया जी, तो ये जो आपके आप देख सकते हैं जो सभी फॉर्मूले हैं वो एलिमेंट्स के हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल के फॉर्मूले हैं ये, क्योंकि ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हैं। क्योंकि H2 का मतलब हाइड्रोजन के जब टू एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना है, N2 का मतलब नाइट्रोजन के टू एटम्स कंबाइन होकर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए सभी के सभी जो फॉर्मूले हैं ये आपके एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के हैं। आगे देखिएगा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, हालांकि इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा उन्होंने फॉर्मूले बताने के लिए इसको छोटा सा इसके बारे में बता रखा है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंपोजिशन इन विच द केमिकल सिंबल टेल अस व्हिच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड द सबस्क्रिप्ट टेल अस हाउ मेनी एटम्स ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो ये बता रहे हैं जो केमिकल फॉर्मूला होता है कंपाउंड का, वो एक स्टेटमेंट होता है उस मॉलिक्यूल के कंपोजिशन का, जो ये बताता है कि उसके मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट वहां पे यूज किए गए हैं, और साथ ही साथ जो सबस्क्रिप्ट होता है वहां पर, दैट मीन्स जो नीचे की तरफ नंबर लिखा होता है, वो बताता है कि किस एलिमेंट के कितने एटम्स को वहां पर यूज किया गया है, यानी उस मॉलिक्यूल में किस एलिमेंट के कितने एटम्स वहां पर यूज किए गए हैं। जैसे कि वाटर का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, H2O होता है। और हमें पता चल जाता है कि वाटर के फॉर्मूले में, वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट यूज किए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं। H2 नजर आ रहा होगा आपको, H2 का मतलब इसमें हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं और ऑक्सीजन का जो इसमें एक एटम है। कंपोजिशन का मतलब भैया यही होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे मॉलिक्यूल के केस में हम कहें तो मॉलिक्यूल का कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल कौन कौन से एलिमेंट्स को मिलाकर बना है और उन एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स वहां पर यूज किए गए हैं। तो यही कंपोजिशन का मीनिंग होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई H2O का कंपोजिशन आप बताइएगा, तो आप ये मेंशन करेंगे कि H2O का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें दो एलिमेंट यूज किए जाते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन के टू एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का एक एटम होता है। तो कंपोजिशन का मतलब ये है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और उन एलिमेंट के कौन कौन से, मतलब उन एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स वहां पर यूज किए गए हैं। तो ये कंपोजिशन का मतलब होता है। आगे देखिएगा, थ्री बोल सकते हैं कंपोजिशन, मैं समझा नहीं, थ्री बोल सकते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं दीपांशु जी, मैं आपकी बात को समझा नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक लिस्ट नजर आ रही होगी, ये कुछ आपके मॉलिकुलर कंपाउंड्स यहाँ पे दिखा रखे हैं। मॉलिकुलर कंपाउंड का मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड से है, ध्यान रखिएगा। जी भैया जी, थ्री एटम्स का हमने डिस्कस किया था ना, ओजोन O3 होता है, ठीक है। तो किसी आप, और मतलब आप कंपाउंड की बात करना चाह रहे हो, तो कंपाउंड के अंदर भी हो सकता है कि आपके थ्री टाइप के भी एटम्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, शायद आपको इसी एग्जाम्पल में देखने को मिल जाए। तो ये आपके कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड कह सकते हैं। वाटर का फॉर्मूला H2O, ये फॉर्मूले आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2,
सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेनॉल जिसको हम एल्कोहल बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसको हम टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसका फॉर्मूला होता है CCl4, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S और कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है CS2। ठीक है, तो ये आपके सिर्फ इतने ही नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए कि ये आपके मॉलिकुलर कंपाउंड्स हैं, दैट मीन्स ये किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे आपने अभी बात की थी यहाँ पे थ्री एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं C2H5OH ये आपका इथेनॉल का फॉर्मूला है और इसमें आपके थ्री एलिमेंट्स हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई इथेनॉल के कंपोजिशन को आप बताइएगा, तो आप मेंशन करेंगे इसके एक मॉलिक्यूल में वन मतलब कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीन एलिमेंट को यूज किया जाता है, जिसमें कार्बन के टू एटम्स हैं, हाइड्रोजन के सिक्स एटम्स हैं क्योंकि फाइव इधर और वन इधर, तो हाइड्रोजन के सिक्स एटम है और ऑक्सीजन का इसमें वन एटम है, तो इसलिए उसमें थ्री और मोर एटम भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसमें सिर्फ टू ही एटम्स हो सकते हैं, उसमें आपके थ्री और मोर भी हो सकते हैं। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इनके फॉर्मूले हैं यहाँ पर। ये फॉर्मूले कैसे बने ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं, हम इनके नेम को कैसे बताते हैं, तो ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो आई होप इस चैप्टर में आपको लास्ट में चल के ये भी आपको पता चलेगा कि अभी तो शायद अगर आपके सामने कोई फॉर्मूला रखा है, जैसे जैसे आपके सामने अगर मैं रख देता हूँ HNO3 और आपसे पूछे कि बताइएगा इसका क्या नेम होगा, या आपसे पूछे कि KNO3 इसका नेम क्या होगा, तो शायद अभी आप इनके नेम को नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी आपको इनके नेमिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। ये अगर आपसे पूछे कि बताइएगा H2S का नेम क्या होता, तो शायद अभी आपको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इनके फॉर्मूले बनाना और इनकी नेमिंग करना आपको पता चलता चला जाएगा। ठीक है जी भैया जी, अच्छी बात है अगर आपको पता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट को शायद अभी नहीं पता होगा जिन्होंने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया। भाई जिन्होंने कंप्लीट कर लिया ऑब्वियसली उनको पता होगा, लेकिन जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया तो शायद उनको अभी नेमिंग करना फॉर्मूले बनाना शायद ये नहीं आता होगा, लेकिन जैसे हमने बोला कि चैप्टर में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलती जाएंगी। अगले टॉपिक पर हम आते हैं जो कि है मॉलिकुलर मास। तो क्या मतलब है मॉलिकुलर मास का, वो देखिएगा आप इसमें। तो देखिएगा मॉलिकुलर मास की बात हम यहाँ पे करें, चलिए जी अच्छी बात है, अगर आपको पता है तो ठीक है, हम इस टॉपिक को स्किप कर देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, अच्छी बात है भाई। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं करूंगा, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। तो मॉलिकुलर मास की बात करते हैं, तो जस्ट एज एन एटम हैज एटॉमिक मास। जी मैं बिल्कुल रक्षित जी, आपने क्वेश्चन कौन सा पूछा था मैंने प्लीज ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि अभी दो तीन जब स्टूडेंट एक साथ क्वेश्चन पूछते हैं तो ओवरलैप हो जाते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है। तो फिलहाल आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस टॉपिक को भी ध्यान रखिएगा भाई। O3 के बारे में आपको बताया गया था, जो O3 है वो ओजोन गैस मॉलिक्यूल होता है, डेट मीन्स वो आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मतलब होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो O3 कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें एक ही टाइप के जो एटम्स हैं वो कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर आप ये पूछना चाह रहे थे तो हम आते हैं अगले टॉपिक पर जो कि हमारा मॉलिक्यूलर मास, तो वो देखिएगा। तो जस्ट एज एन एटम हैज द एटॉमिक मास इन द सेम वे ए मॉलिक्यूल हैज द मॉलिक्यूलर मास। जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि एटम का जो मास है उसको एटॉमिक मास बोला जाता है, ठीक है, एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम टेकन एज द 12 यूनिट। तो किसी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो रिलेटिव मास होता है उसके मॉलिक्यूल का, जब उसको कार्बन 12 एटम के साथ में कंपेयर किया जाता है जिसका मास 12 यूनिट लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने आपको एटॉमिक मास के बारे में बताया गया था कि किसी भी एलिमेंट का कि एटम का एटॉमिक मास हमने कैसे मेजर किया, तो वहां पर हमने कार्बन 12 एटम के साथ कंपेयर करके सभी एलिमेंट के एटम के मास को फाइंड आउट वहां पे किया गया था। इसी तरीके से अगर किसी मॉलिक्यूल का मास अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी हम कार्बन 12 एटम का यूज करते हैं, तो वहां पर भी कार्बन जो भी आपका मॉलिक्यूल होता है उसको कार्बन 12 एटम के साथ में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, फिर देखा जाता है कि उस मॉलिक्यूल का मास कार्बन 12 एटम के कंपेयर में कितने टाइम्स वो हैवियर है या कितने टाइम्स लाइटर है, और उसकी हेल्प से हम किसी मॉलिक्यूल के मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये निकल कर आती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्कस करें तो जो किसी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो उसका रिलेटिव मास होता है जब उसे कार्बन 12 एटम के साथ में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, मॉलिकुलर मास को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। मॉलिकुलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एटॉमिक मास तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी
मॉलिक्यूल के मास को आप डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो किस तरीके से करेंगे उसी के बारे में आगे डिस्कशन हम करते हैं। तो मॉलिक्यूल मास को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, उन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है, तो उसको भी पहले आप देख लीजिएगा। इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉन, देन इट्स मॉलिक्यूलर मास कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमें किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पता है, हमें गिवन है, तो हम इसके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। जी भैया बिल्कुल, इसमें कार्बन 12 एटम को यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया गया, तो उसी के साथ में कंपेयर करके ही जो है सभी के एटॉमिक मासेस को और मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट किया जाता है। स्टार्टिंग में हाइड्रोजन को यूज किया जाता था, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, सबसे लाइटेस्ट एटम होता है, लेकिन बाद में इसको चेंज करके जो है कार्बन 12 के साथ में कंपेयर किया गया था, क्योंकि कार्बन 12 का जो मास था वो बिल्कुल होल नंबर्स में था, डेट्स वहाँ पे कार्बन 12 एटम को वहाँ पे के साथ कंपेयर किया जाता है, उससे फिर रिलेटिव मास फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो एटम का हो या मॉलिक्यूल का हो। बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता रहा था, अगर आपको किसी सब्सटेंस का, जी बिल्कुल, अगर किसी सब्सटेंस का अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, तो आप उसके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा भाई, फिगर में आपको मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, वो किस तरीके से कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें अलग अलग कलर की जो बॉल्स आपको नजर आ रही है वो अलग अलग कलर के एटम्स हैं, जिससे वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे पहली वाली फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक CO2 के मॉलिक्यूल को वहां पे दिखा रहे हैं, जिसमें जो है आपके 2 एटम ऑक्सीजन के, 1 एटम कार्बन का है, वो आपस में कंबाइन करके उसके मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो एक तरीके से वहां पे मॉलिक्यूल के आपको मॉडल से दिखा रखे हैं किस तरीके से एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो फिलहाल वापस उस टॉपिक पर आए, तो हम बात कर रहे थे किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को मेजर करते हैं, तो आपको बताया जा रहा था ये द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर आपको किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन एलिमेंट्स के एटम के, उन एलिमेंट्स के सभी एटॉमिक मासेस का जो सम होगा वो मॉलिक्यूल के मास के इक्वल होगा। दैट मीन्स द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, उन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस का जो सम होगा वो उस मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। किस तरीके से करेगा वो आप जरा देखिएगा, मैं आपको वहां पे समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो हम पहले H2O की बात करते हैं। H2O जो कि वाटर का मॉलिक्यूल है, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं आपको बता दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि भाई ये आपका सब्सटेंस है जिसका फॉर्मूला ये है, आप इसके मॉलिक्यूलर मास को मेजर कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा, मतलब पेपर में पूछे जाते हैं ये। और आपको बता दें कि जो भी वहाँ पर एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं उनके एटॉमिक मासेस वहाँ पे गिवन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, तो ये क्वेश्चन में आपको मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, अब किस तरीके से हम इनकी हेल्प से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं H2O के मॉलिकुलर मास को, वो आप देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन पर, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1 है, लेकिन आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के वहाँ पे 2 एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन क्योंकि इसके 2 एटम्स है तो क्या हो जाएगा, 1 into 2। तो कुल मिला के हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मासेस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 into 2। अब मूव करते हैं हम सेकेंड एलिमेंट पर, सेकेंड एटम पर, जो कि क्या है, वो ऑक्सीजन है। तो वहां पर जब सेकेंड एटम पर हम मूव करते हैं, पहले हम प्लस लगाते हैं और फिर हम सेकेंड एटम के एटॉमिक मास को वहां पर मेंशन करेंगे, और आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना गिवन है, 16, तो आ जाएगा प्लस में 16। तो इसको सॉल्व करें तो 1 into 2 आएगा 2 plus 16, तो इस तरीके से वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हो जाएगा इसमें 18 U। डेट मीन्स 18 मॉलिक्यूलर मास यूनिट हम इसको लिख सकते हैं, या सिर्फ 18 U हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी ध्यान से समझिएगा। यू का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है, जैसे हम यू वहां पर भी यूज करते थे जब हम एटोमिक मास की यूनिट को लिखते थे, इसी तरीके से जब मॉलिक्यूलर मास को लिखते हैं तो वहां पर भी हम यू को मेंशन करते हैं। एक और एग्जांपल देखो, हम इसमें थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, जैसे C2H5OH ले लेते हैं, C2H5OH जो कि इथेनॉल का एक फॉर्मूला है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट हैं। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। ठीक है, अब हमें इनकी हेल्प से इसके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना, तो किस तरीके से करेंगे। जी भैया जी बिल्कुल, मेंशन करते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने मेंशन भी किया गया है। तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे, आप सबसे पहला आइटम यहाँ पे कार्बन का है, और कार्बन के वहां पे 2 एटम्स है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा 12 into 2। ठीक है, प्लस फिर हम हाइड्रोजन पे मूव करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, अब क्योंकि वहां पर उसके 5 एटम्स है तो यह आ जाएगा 1 into 5।
ठीक है, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम मास कितना होता है? 16। उसमें और कोई एटम नहीं है, क्योंकि अगर एटम होता तो उसके सबस्क्रिप्ट पे लिखा होता। आगे मूव करते हैं फिर से, हाइड्रोजन तो हो जाएगा +1। अब इनको कैलकुलेट करें तो 12 × 2 कितना होता है? 24। ठीक है, 1 × 5 कितना होता है? 5 +16 +1, तो इसको अगर हम प्लस कर दें सभी को तो 24 + 5 29, 29 + 16 तो ये होता है 45 + 1 हो जाएगा 46। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मिथेनॉल, सॉरी इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 46 U होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपको गिवन है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है, तो आप इसके मॉलिक्यूलर मास को मेजर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। H2SO4 को लेते हैं हम, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे और आपको बताते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखा हमने 1, इसके 2 एटम है तो 1 × 2 तो एटॉमिक मास लिखिएगा, फिर उसके जितने एटम्स हो उसमें एटम्स के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मूव करते हैं सल्फर पर। जी भैया जी, ये तो आएगा तो तुम लोगों के लिए बेनिफिट है भैया रक्षित जी, इसमें भी कोई डिफिकल्टी आपको नजर आ रही है क्या? अगर ये पेपर में आते हैं तो आपके लिए तो अच्छी चीज है, आसान काम है ये। अब इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप वो मुझे बताइएगा। अगर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए फायदे की बात है भैया। ठीक है, उसके बाद सल्फर पर आते हैं, सल्फर का मास कितना है? 32। ठीक है, फिर आते हैं ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, लेकिन क्योंकि इसके 4 एटम्स है तो × 4, तो सॉल्व करें से तो कितना हो जाएगा? 2 + 32 + 64। अब इन सबको प्लस कर देते हैं तो 64 + 32 96 + 2 तो कितना हो जाएगा? 98 U। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को या किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको 3 एग्जांपल आपको बताया, वाटर का हमने आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करके बताया, उसके बाद हमने इथेनॉल का आपको बताया, और लास्ट में हमने सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आपको बताया। जी भैया जी, वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी, ये आपको बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं। आपको मॉलिक्यूलर मासेस को, सॉरी आपको एटॉमिक मासेस को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको बस वहां पे कैलकुलेशन करनी होगी, जो कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा इसमें, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस के फॉर्मूले का क्या सिग्निफिकेंस है, दैट मींस उससे हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं अगर आपको किसी सब्सटेंस का फॉर्मूला गिवन है। तो बता रहे, फॉर्मूला रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस। एक तो फॉर्मूले से हमें सब्सटेंस के नेम के बारे में पता चलता है, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्मूला रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। फॉर्मूले से हम सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का पता चलता है, दैट मींस जो फॉर्मूला होता है वो सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3, फॉर्मूला आल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो फॉर्मूला जो होता है सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के एक मोल को भी रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस जो फॉर्मूला है वो करीब 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स होंगे सब्सटेंस को, उनको भी रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद बता रहे हैं, फॉर्मूला गिव्स द नेम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट द मॉलिक्यूल। फॉर्मूले से हमें ये पता चल जाता है कि किसी मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है, उसके बारे में पता लगता है। फॉर्मूला गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में किस एलिमेंट के कितने कितने एटम वहां पे प्रेजेंट है, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। और लास्ट, फॉर्मूला रिप्रेजेंट द डेफिनेट मास ऑफ द सब्सटेंस इक्वल इन द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। तो फॉर्मूला जो है एक डेफिनेट मास जो होता है सब्सटेंस का, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, जिसको ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। तो फॉर्मूले से हमें किसी सब्सटेंस के जो नेम है वो पता चलता है, हमें सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का पता चलता है, दैट मींस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला जो है किसी मॉलिक्यूल के वन मोल को भी रिप्रेजेंट करता है। मैं बता रहा हूँ भैया दीपांशु जी, आप सुनते तो रहिएगा, पहले किसी चीज़ को आप डिक्लेयर करने से पहले एक बार उसको ध्यान से सुना करो, हम उसी के बारे में रिपीटेशन कर रहे हैं। तो आपको जो टॉपिक या जो बात उसमें ना क्लियर हो तो उसको आप रखा करो, पहले ही आप इसको डिसाइड मत कर दिया करो कि आपको क्या चीज़ आती है क्या चीज़ आपको नहीं आती है। अभी हमने उस टॉपिक को स्किप करके आगे हमने मूव नहीं कर रहे हैं, हम उसी को वहाँ पे बोल रहे हैं, तो पहले आप ध्यान इसमें लगाइएगा कि आपको क्या बताया जा रहा है। तो फॉर्मूला किसी सब्सटेंस के नेम को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मूला किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मूला जो होता है किसी सब्सटेंस के एक मोल को रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल्स के एक मोल को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मूला जो है ये बताता है कि उस सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, फॉर्मूला ये बताता है कि उस सब्सटेंस में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके कितने कितने एटम्स वहां पर लिए गए हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, और फॉर्मूला जो है सब्सटेंस के एक डेफिनेट मास को भी बताने का काम करता है, अगर उसको हम ग्राम में अगर मेजर करते हैं तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि उन्होंने एग्जांपल में यहाँ पर वाटर की बात की गई है, H2O की बात की गई है, तो H2O से आपको क्या क्या पता चलेगा? एक तो H2O से पता चलता है कि वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, H2O वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है।
H2O जो है वो वाटर के वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। डेट मीन्स H2O जो होगा 6.022 इंटू 10^23 जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर को उनको भी वो रिप्रेजेंट करेगा। H2O से हमें पता चलता है कि इसके अंदर आपके दो एलिमेंट यूज किए गए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। H2O से हमें पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन के टू एटम्स है, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है, ओ एक ऑक्सीजन का एक एटम है। H2O से हमें पता चलता है कि H2O रिप्रेजेंट 18 ग्राम्स ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एक्सप्रेस इन ग्राम। ठीक है, H2O जो है वो 18 ग्राम ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है अगर इसको हम इसके मॉलिकुलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो। ठीक है, H2O का मॉलिकुलर मास 18 U होता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। अगर हम इसके मास की बात करें तो H2O का जो मास होगा वो 18 ग्राम होगा। दैट मीन जब मॉलिकुलर मास को ग्राम में लिया जाता है तो उसको ग्राम मॉलिकुलर मास कहते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूले से क्या क्या बातें पता चलती हैं वो हमने यहाँ पर इसमें आपको बताई। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें अगले टॉपिक पर मूव करेंगे आयंस। जैसे हमारे दो टॉपिक हमने आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि एटम्स जो है, जी भैया जी, आपको बताया क्या, अगर हम किसी के मॉलिकुलर मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे ग्राम मॉलिकुलर मास बोला जाता है। जैसे कि वाटर का जो मास होगा यहाँ पर वो 18 ग्राम लिया जाएगा अगर उसके डेफिनेट मास की बात करें। ठीक है, एक डेफिनेट मास का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर उसके एक वन मोल ऑफ मास की बात करें तो वो 18 ग्राम के इक्वल लिया जाएगा। पर वही चीज है कि अभी आपको मोल का कॉन्सेप्ट शायद यहाँ पे नहीं पता है, मोल के बारे में अभी यहाँ पे कुछ हमने कोई डिस्कशन नहीं किया तो शायद अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो डेफिनेट मास का मतलब आप समझ सकते हैं वन मोल का मास, और वन मोल का मास क्या होता है, दैट मीन्स उसका जो एटॉमिक जो उसका मॉलिकुलर मास होगा जब उसको ग्राम में मेंशन करेंगे तो उसको बोला जाता है उसकी वन मोल का मास या ग्राम मॉलिकुलर मास। तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली आगे पढ़ के आगे जो है चल के आपको पता चलने वाली है। तो जो भी आपके कुछ भी अगर डाउट है तो जैसे आपसे मैंने बोला कि प्लीज आप इनको अंडरलाइन करते जाइएगा और टाइम आने पर जरूर आप इनको रखते जाइएगा। तो आगे देखिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आयंस के बारे में। तो आयंस क्या है तो उनको जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भाई, आपको बता दें एन आयन इज ए पॉजिटिवली आयन की बात अभी क्यों चल रही है तो उसको पहले मैं आपको बता दूं। आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि कोई भी जो एटम है वो टू टाइप्स में एग्जिस्ट करता है, एक तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा होता है आयंस के फॉर्म में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आयंस आपका उसी चीज के लिए है तो उसको आप ध्यान से सुनते जाइएगा। तो एन आयन इज ए, सुनते रहिए भैया। अभी अभी आपको मैंने कहा ना कि अभी कुछ चीजें जो आपको नहीं पता है तो अभी आप उनके बारे में भी छोड़ दीजिएगा, आने दीजिएगा टाइम, आपको पता चलता जाएगा। क्योंकि अभी आपको मैं बताते जाऊंगा तो आप इसमें कंफ्यूजन आप क्रिएट करते जाएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वो सारी चीजें आएंगी। क्योंकि लास्ट में इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर करने को आपको मिलेंगी। ठीक है, तो देखिएगा आयन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो एन आयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज एटम। तो जो आयन होता है वो किसी पॉजिटिव चार्ज एटम को या नेगेटिव चार्ज एटम को बोला जाता है। तो एन आयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम। तो जब कोई एटम पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो या कोई ग्रुप ऑफ एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो तो उसको आयन बोला जाता है। जैसे कि हम बात करें एन ए प्लस, तो यहां पर आप देख सकते हैं एन ए तो हमें समझ में आता है, लेकिन हम एन ए के ऊपर अगर प्लस का साइन लगा दें तो डेट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम आपको अपने सामने नजर आ रहा है तो उसको आयन बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ एम जी टू प्लस, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का एटम है लेकिन उसके ऊपर टू प्लस आ गया, डेट मीन्स ये आपका पॉजिटिवली मैग्नीशियम एटम है, तो ये भी आपका मैग्नीशियम का आयन होगा। ए एल थ्री प्लस है तो यहां पर भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डेट मीन्स ये भी आयन होगा। Cl माइनस, ये आपके क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन यहाँ पे नजर आ रहा है तो डेट मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये भी आपका आयन होगा। ठीक है, O2 माइनस, यहाँ पर भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है तो ये भी यहाँ पर जी, तो ये भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी आयन होगा। तो कुल मिला के पहले तो यहाँ पे ये डिस्कस कर लीजिए, मतलब ये समझ लीजिएगा क्या आयन क्या होता है। तो कोई पॉजिटिवली चार्ज एटम या नेगेटिवली चार्ज एटम जो होता है उसको आयन बोला जाता है। ये पहले तो ये आप इसमें समझ लीजिएगा कि भाई आयन किसको बोला जा रहा है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसा आया, नेगेटिव चार्ज कैसा है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको पहचानने के लिए, नहीं जी, जिनके ऊपर प्लस या माइनस का साइन आ जाता है वो आयन होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। जिनके ऊपर प्लस का साइन या माइनस का साइन आ जाता है वो आयन होते हैं, मैं उसी चीज को बता रहा था। तो शायद आपने क्वेश्चन पहले वहां पे रख दिया तो मैं अभी आपको यहाँ पे डिफरेंस करना बता रहा हूँ, सुनते रहिएगा। पहले मैंने वही बोला ना, पहले तुम लोग जो है जो आपको बताया जाता है उसमें आप दिमाग में नहीं रखते हो, तुम थोड़ा सा पहले आगे का सोचने लग जाते हो। तो आपको ये चाहिए कि आपको जो बताया जा रहा है पहले आप उसको सुनिएगा, जो आपको बताया जा रहा है उसमें अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप अपने क्वेश्चन को रखिएगा। अभी आप आगे आगे कहाँ जा रहे हो, क्या पूछ रहे हो, अभी शायद हो सकता है थोड़ी देर के बाद आपको ये इस टॉपिक के अंदर क्लियर हो जाए।
तो पहले आप ये देखिए, आपको हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे डिफरेंस करोगे एक एटम में और एक आयन में। तो हमने ये बताया कि किसी एटम के ऊपर अगर हम प्लस साइन या माइनस साइन को मेंशन कर देते हैं तो वो आयन बन जाता है। दैट मीन्स आप डिफरेंस कैसे करेंगे। मैंने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव साइन उसके ऊपर कैसा है, नेगेटिव साइन उसके ऊपर कैसा है, क्योंकि हम अभी आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखते रहिएगा। अभी आपको बता रहे हैं कि आप देख के कैसे डिफरेंस करोगे कि वो आयन है और वो आयन नहीं है। जैसे अगर आपके सामने मैं लिख दूं यहाँ पर ये एन ए और एन ए प्लस, तो इन दोनों में से कौन एटम है कौन आयन है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे। तो आपको जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन नजर आएगा वो उसमें आयन होगा, जिसके ऊपर नहीं होगा वो एटम होगा। ठीक है, तो पहले आप ये डिफरेंस करना वहां पे सीखिएगा कि किस तरीके से कौन एटम है कौन आयन है, आप उनके बीच में डिफरेंसेस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम डिटेल में जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर आपका टाइम आ गया उन चीजों को डिस्कस करने का, क्योंकि आयन के बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे। भले हम आज उन सभी मतलब उन सभी चीजों को यहाँ पर ना कर पाए, क्योंकि हमारी क्लास अभी शायद हो सकता है पहला सेशन हमारा ओवर होने को है, तो हम कल की क्लास में डिस्कस करें, लेकिन उनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आपको बताया जाएगा किस तरीके से आयन्स बनते हैं, क्यों उनके ऊपर प्लस का साइन आता है, क्यों उनके ऊपर माइनस का साइन आता है, किसी के ऊपर प्लस टू, किसी के ऊपर प्लस थ्री, किसी के ऊपर माइनस टू, ये क्यों आते हैं, उन सबको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब वो टॉपिक आया है जिसमें आपको ये सब बताया जा सके। लेकिन उसको बताने से पहले आपको बता दें, जैसे कि आप देख रहे हैं किसी के ऊपर पॉजिटिव साइन है किसी के ऊपर नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये जो आयन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उनको बोला जाता है कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं उनको बोला जाता है एनायन। ठीक है, नंबर वन, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयन को सुनते रहिएगा। भैया अभी मैंने एक बात को कंप्लीट नहीं किया, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं हर बात को जो भी बताता हूँ उसको दो दो तीन तीन बार तो अपना भी रिपीट कर देता हूँ, तो आपके पूछने से पहले मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद भी फिर हम आपको मौका देते हैं। तो मैंने ये बताया कि पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज जो आयन होता है उसको आयन बोला जाता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज एटम को आयन बोला जाता है, ये पहली बात। दूसरी बात आपको बताई गई, जो एटम पॉजिटिवली चार्ज है उसको कैटायन बोला जाता है, जो एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको कैटायन बोला जाता है, और जो एटम नेगेटिवली चार्ज होता है उसको एनायन बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं ये पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर कहाँ से आता है और नेगेटिव चार्ज उसमें कहाँ से आता है। तो आपको बताएं, जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे आपको बताया गया था डॉल्टन के एटॉमिक थ्योरी में भी हमने डिस्कस किया था, कोई भी एटम जो होता है वो थ्री टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसमें आपको बता दें, ये जो तीनों पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है।